हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 1 जून 2019 है और सैटरडे का दिन है। जो अपडेट लेके आया था वो टाटा ग्लोबल वेवरेज पे, इस पर थोड़ा एक ब्रेकआउट दिख रहा है। और आप देखेंगे तो जो फ्राइडे के दिन ये क्लोजिंग 31 मई को हुआ है, 7 पॉइंट के ऊपर के साथ हुआ है। और ये अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आधार पर कहें तो 38% के लेवल को क्रॉस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपको 55 के लेवल को जाएगा, जो कि डिटेल आगे हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये 272 के अगर 255 क्रॉस करता है तो यहाँ पर 277 तक जा सकता है। तो 255 एक इसका अच्छा खासा सपोर्ट है, वहाँ इसको क्रॉस करने दीजिए। आप इसको देखिए, ये आपने 38% को क्रॉस किया हुआ है यहाँ पे, और ये इसका जो उसके बाद 50% का जो लेवल है 255 है। तो हो सकता है ये पहला 255 आपको जाता हुआ दिखे यहाँ पे, और 255 से रिट्रेस भी ले सकता है। और अगर ये 255 भी क्रॉस करता है, जैसा हो सकता है यहाँ करे, लेकिन प्रीवियस ट्रेंड के अनुसार ये रिवर्स भी ले सकता है यहाँ से। पहले भी ये अपने इस लेवल पे 50% से रिवर्स लिया है, लेकिन अगर ये पैटर्न क्रॉस करता है, जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस कैंडल से हाई वॉल्यूम बना, और ये बना आपको जो बना है 13 तारीख को, 13 मई का है, वीकली है ये, तो आप वीकली बेसिस पे देखें मई के वीक में। और यहाँ से जब ये क्रॉस किया तो ये अपने 38% को क्रॉस किया, तो यहाँ पे फिर इसको जाएगा तो 255 पे 50% में थोड़ा सा उसको रिट्रेसमेंट आ सकता है। अगर इसको क्रॉस करता है तो 272 जाने का दम रखता है ये, और इस बार हो सकता है कि आपको 60% का रिट्रेसमेंट, और जो प्रीवियस भी देखें तो यहाँ तक ये गया हुआ है, तो हो सकता है आपको 272 का रिट्रेसमेंट दिखा सकता है। तो पहला 255 और फिर 272, इस लेवल से आप चाहें तो टाटा ग्लोबल में एक बार पोजिशन की ओर देख सकते हैं। है क्या, एक बार इस पर डिटेल चर्चा कर लें। तो टाटा ग्लोबल वेवरेज इज टुगेदर रेफर्ड एज अ ग्रुप ऑफ एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर आर एंगेज इन द ट्रेडिंग प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन टी कॉफी एंड वाटर। द ग्रुप हैज ए ब्रांडेड वेवरेज बिजनेस ऑपरेशन मेनली इन इंडिया, यूरोप, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, प्लांटेशन बिजनेस इन इंडिया एंड एक्सट्रैक्शन बिजनेस इन इंडिया एंड द US। अब देखेंगे, 284 का हाई है 52 वीक, 177 का लो है, 244 का करंट प्राइस चल रहा है। स्टॉक की पी 37 है, बुक वैल्यू 116 है, 9.5% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, इक्विटी 5.5% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% है, अच्छा है, सेल्स ग्रोथ भी 3% हो रहा है, लोअर हो रहा है लेकिन ठीक हो रहा है, प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा सा एक कंसर्न है 34% है, और गिरवी भी उसमें से 4% है, ये एक खाली कंसर्न है। और आप देखेंगे टाटा समूह के सारे ग्रुप में भी कहीं ना कहीं गिरवी पोजिशन है, तो वो एक तो है, लेकिन आगे जाकर के और प्राइस टू कैश वैल्यू बहुत हाई है, जो कैश जनरेट कर रहा है उसके सामने जो प्राइस मांग रहा है तो ये बहुत ज़्यादा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं, बट अभी एक प्राइस ब्रेकआउट आ रहा है, इसमें ये आपको अच्छा पोजीशन दिखा सकता है। और अगर इसके शेयर होल्डिंग परसेंटेज को देखें तो 34% है, FII ने अभी बढ़ाया है पोजीशन इसमें, म्यूचुअल फंड ने रिड्यूस किया है, यहाँ पे जो गिरवी का पोजीशन है वो है। अगर रिटर्न की बात करें तो आप रिटर्न देखिए, इसका अच्छा चल रहा है, अभी हर जगह आपको रिटर्न मिल रहा है। और अगर रिकमेंडेशन की बात करें तो 16 मई 2019 को 250 के टारगेट के लिए रिकमेंडेशन किया गया है, ICICI Direct.com ने किया है, आपको ये 16 तारीख को किया था। तो हो सकता है जो 255 के लेवल में बता रहा हूँ वो आपको टच करे, और वो क्रॉस करता है तो 272 के लेवल की ओर जाता हुआ आपको दिख सकता है। एक्चुअल में टाटा ग्लोबल वेवरेज में आप देखेंगे तो ये डेली चार्ट पैटर्न पे देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से एक वॉल्यूम लेते हुए दिखा है। ये है 16 मई को, 16 मई को वॉल्यूम लिया, फिर वहाँ से एक वॉल्यूम लिया, इसको अपसाइड लिया, फिर थोड़ा दिन यहाँ पे कुछ वेट किया, रिट्रेस किया, इस वॉल्यूम के बाद थोड़ा स्टे किया। अब सेम पैटर्न देखेंगे, पहले भी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जब अपसाइड लेता है तो एक अपसाइड लेने के बाद फिर से वापस फॉल की कैटेगरी में दिखता है, वापस गिरता है। तो यहाँ पे भी एक बार स्टे करके आपके फिर यहाँ से थोड़ा अप लेके फिर नीचे आ गया है। तो कहीं ना कहीं अगर ये क्रॉस करता है इस लेवल को, पहला लेवल जो इसका है ये आप देखेंगे, ये लेवल है 255 जो आ रहा है, 250 आ रहा है, और इसके अपर लेवल को देखेंगे तो 255 आ रहा है, 250 255, इस लेवल को क्रॉस करता है तो यहाँ से, और आप देखेंगे जो वॉल्यूम है 20 से ज़्यादा आ रहा है, तो वॉल्यूम के साथ क्रॉस ओवर हो रहा है, एक अच्छी बात है। अगर ये क्रॉस करता है 250 लेवल, 255 के लेवल, तो आपको सीधा यहाँ से इस लेवल पे जाते हुए 281 की ओर जाते हुए दिखेगा, और फिर ये क्रॉस करता है तो फिर आपको आगे बढ़ते जाएगा 290 300। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि आप इसमें 255 और 272 भी लेवल देख सकते हैं। अगर इसको एक बार हम डेरिवेटिव में जाकर के चेक करें तो डेरिवेटिव में क्या पोजीशन बना है यहाँ पे, तो देखेंगे यहाँ पे आप
247 का जो डेरिवेटिव में दिख रहा है 244.45 पे क्लोजिंग दिया है, और यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है 47% है, मीन्स 0.45% के साथ चेंज ओवर हुआ है, 47,250 ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हुआ है, मीन्स कहीं ना कहीं जो है शॉर्ट की पोजीशन है वो प्रॉफिट बुकिंग करके लेफ्ट ओवर हुई है, उनको लग रहा है कि शॉर्ट की पोजीशन में रहने से फायदा नहीं है। और यहाँ पे बाई क्वांटिटी में देखेंगे तो 13,36,500 बाई क्वांटिटी पे खड़े हैं, जबकि 6,21,000 सेल क्वांटिटी पे खड़े हैं। तो डेरिवेटिव में भी जो पोजीशन दिख रही है 27 जून की जो है एक्सपायरी की पोजीशन है, यहाँ से भी दिख रहा है कि प्राइस एक्शन में जो वॉल्यूम में हो रहा है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट रिडक्शन हो रहा है और प्राइस में अपसाइड है, तो मतलब कहीं ना कहीं जो शॉर्ट करके पोजीशन बैठे हैं वो वहाँ से एग्जिट होने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर मैं आपको इसी के एक बार इसको 250 के कॉल को देखें तो 250 के कॉल पे देखेंगे तो यहाँ पे 103% का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, ये 2250 का लॉट हुआ करता है और 6.80 रुपये पे चल रहा है, लो था 3.70 रुपये, और यहाँ पे 254,000 से बाइंग है, 225,000 से सेलिंग है। तो 250 पे जो है 103% के ओपन इंटरेस्ट से पॉजिटिव बाइंग हुई है, मतलब कहीं ना कहीं ये एक बार ऊपर आपको 255 और 272 दो लेवल है, 255 फर्स्ट, अगर उसको रिट्रेस करता है ऊपर की ओर जाता है तो 272 की ओर जाते हुए आपको दिख सकता है। तो 255 के कॉल जो कि 2250 का लॉट है 6.80 रुपये में मिल रहा है, आप इसे वॉचलिस्ट रख सकते हैं। 27 जून के डेरिवेटिव में भी देखें तो टाटा ग्लोबल 244.70 रुपये क्लोजिंग हुआ 31 मई के। 27 जून के एक्सपायरी के पुट और कॉल को देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल पुट में 5,40,000 का पोजीशन है, जबकि 11,54,000 का कॉल में, कॉल में बाइंग हर पोजीशन पे अच्छी खासी हुई दिख रही है। और यहाँ पे भी देखेंगे 2,16,000 पहला तो 2,70 का 2,50 पे इसको रेजिस्टेंस है, और फिर 260 पे 2,16,000 का रेजिस्टेंस दिखता है यहाँ पे। और नीचे की ओर देखें तो 230 पे अच्छा सपोर्ट 1,35,000 का, तो 230 पे सपोर्ट मिलेगा और फिर 220 पे। तो ये कहीं ना कहीं पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें यहाँ प्राइस एक्शन में निगेटिव है, मतलब शॉर्ट की पोजीशन ली जा रही है यहाँ पे, और 250 तक में भी आप देखेंगे तो शॉर्ट की पोजीशन बना रहे हैं, वॉल्यूम नहीं है, लेकिन 245 पे और 50 पे तो लास्ट डे ही वॉल्यूम बन के यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनी है, और प्राइस एक्शन में यहाँ पे बाइंग की ओर जा रही है। कहीं ना कहीं 260 की ओर देख रहे हैं यहाँ पे 1,37,000 से, और 250 दोनों पे 250-260 पे पोजीशन बनी है डबल की 1,37,000 से। तो ये जो प्राइस एक्शन है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव दिखता है। और अगर मैं इसमें पोजीशन डिलीवरी वॉल्यूम वेटेड एवरेज की बात करूं तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज देखें 242 की जगह 244 क्लोज हुआ, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। और यहाँ पे 65,68,324 31 मई को जो टोटल ट्रेडेड क्वान्टिटी है उसमें 22,68,000 की डिलीवरी हुई है, तो 34% की डिलीवरी हुई है। अब देखेंगे पहले जो 10% 24% 23% हो रहा था ये अभी 34% के आसपास जाके हुआ है, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो ठीक है, अभी लॉन्ग टर्म उतना अच्छा नहीं है, बट अभी शॉर्ट पोजीशन में ये आपको एक ब्रेकआउट जरूर दिखाते हुए आपको दिख सकता है, तो 272 तक जा सकता है ये, और 272 क्रॉस करता है तो फिर आपको एक बार 296 तक भी जा सकता है। तो 255 272 और 296 के टारगेट के लिए विथ स्टॉप लॉस 239 आज जो वैल्यू चल रहा है इसका, आज 244 चल रहा है, तो 239 के स्टॉप लॉस से चाहें तो आप इसमें बाइंग पोजीशन पे खड़े रह सकते हैं। 239 का अगर लेवल टूटता है तो फिर ये नीचे की ओर अपनी पोजीशन वापस आपको आते हुए दिख सकती है। तो टाटा ग्लोबल वीब्रेज में मेरा कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप चाहें तो अपने एडवाइजर से फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके इस पर पोजीशन बना सकते हैं। ये मेरा सिर्फ ओपिनियन है कि टाटा ग्लोबल वीब्रेज में एक अप ट्रेंड लगता है कहीं ना कहीं दिख रहा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।